हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं राष्ट्रीय आय चैप्टर की थ्योरी का पार्ट नंबर 8। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर मैंने आपके लिए 7 पार्ट्स इसके अपलोड कर दिए, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लेना, चैप्टर की पूरी थ्योरी आपको अच्छी तरीके से समझ में आने लग जाएगी। आज की क्लास के अंदर मैं कुछ और छोटे मोटे टॉपिक्स आपको सिखा के जाने वाला हूँ, जिसके अंदर हमारा टॉपिक आज क्या रहेगा, साधन लागत क्या होती है, बाजार कीमत क्या होता है, इसके बाद अप्रत्यक्ष कर, आर्थिक सहायता और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। हालांकि इसका जो इस्तेमाल है वो न्यूमेरिकल जब हम लोग करेंगे, जब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, वहां पर इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। आज हमें इसे थ्योरी के अंदर थोड़ा सा कवर करना है। सबसे पहले हम आ जाते हैं साधन लागत, भाई शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना, फैक्टर कॉस्ट इसे इंग्लिश में कहते हैं, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करते हैं ना तो न्यूमेरिकल के अंदर वहां पर ये वर्ड्स ज्यादा इस्तेमाल हो जाते हैं, ठीक है। तो साधन लागत को हम लोग कहते हैं फैक्टर कॉस्ट, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम बोलेंगे FC। अब ये साधन लागत का मतलब होता क्या है, किसी भी सामान को बनाने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। 11th क्लास के अंदर आपने सीखा था भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। यहां तक कि ये जब मार्कर बनाया गया होगा तो इस पे भी ये 4 चीजें लगी है, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। किसी भी सामान को बनाने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है, और जब हम उन चारों चीजों की लागत को जोड़ देते हैं तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, साधन लागत। इससे अभिप्राय उत्पादन के साधन की उत्पादन प्रक्रिया में कुल लागत से होता है। किसी भी वस्तु को बनाने में जो भी लागत लगती है उसी को हम साधन लागत कहते हैं। और जैसा कि हमें पता है किसी वस्तु को बनाने में 4 तरीके की लागत आती है, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। और ये पूरा एक चैप्टर था 11th क्लास के अंदर उत्पादन के साधन, ठीक है। तो ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था। आपको सिर्फ इतना याद रखना है किसी वस्तु को बनाने में 4 चीजों की आवश्यकता होती है, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। इसी को हम लोग, इनके सम को हम लोग क्या कहते हैं, साधन लागत कहते हैं। अगले नंबर पर आ जाता है बाजार कीमत। एक होता है साधन कीमत और एक होता है बाजार लागत। देखो, मैं कहता हूं कि मैंने ये मार्कर बनाया, इस मार्कर को बनाने में मुझे 15 रुपए लगे, ठीक है। अब मैंने इस क्या करा होगा, इसका रॉ मटेरियल मैं खरीद के लाया होगा, फिर इसके ऊपर मैंने भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, तो कुल मिलाकर ये मार्कर जो है 15 रुपए में तैयार हो गया। अगर ये 15 रुपए में बिक जाता है तो यहां तक कि मुझे 3 रुपए का फायदा भी हो जाएगा। मैं मालिक हूं, मान के चलो मैं उद्यम ही हूं। अगर ये मार्कर 15 रुपए में बिक जाता है तो मेरे को फायदा भी हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं इस मार्कर को मार्केट में ले जाता हूं बेचने के लिए, तो सरकार मुझे कहती है कि मुझे इस पर 5 रुपए का टैक्स चाहिए। यानी कि 15 रुपए में अगर ये बिक जाता तो मेरा फायदा भी हो जाता, मुझे 3 रुपए का फायदा हो रहा था, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसे बेचने के लिए जाता हूं तो सरकार मुझे कहती है भाई 5 रुपए का मुझे क्या चाहिए, टैक्स। तो पहले मैं इसे कितने रुपए में बेचने जा रहा था, 15 रुपए में, अब मैं उसमें 5 रुपए और जोड़ लूंगा टैक्स के, क्योंकि मार्केट में अगर बेचना है तो सरकार को टैक्स तो देना ही पड़ेगा। अब सरकार अलग अलग फॉर्म्स में टैक्स लगाती है, बिक्री कर लगाती है, सीमा शुल्क लगाती है, बहुत सारे टैक्स है। अब इन सारे टैक्सेस को जोड़कर GST बना दिया गया है, तो मैं मानता हूं कि सरकार इस पे 5 रुपए का GST ले रही है। तो 15 रुपए में यह तैयार हो गया था और इसमें मेरा फायदा भी जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही मैं इसे बेचने जाता हूं तो सरकार कहती है भाई 5 रुपए का मुझे क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। तो जब हम साधन लागत, इसकी साधन लागत कितने रुपए थी, इसकी साधन लागत थी 15 रुपए और 5 रुपए का इसमें क्या जुड़ गया, टैक्स। तो अब ये मार्केट में कितने रुपए का बिकेगा, मार्केट प्राइस हो गया इसका 20 रुपए। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है। जब हम किसी सामान को बनाकर अपना फायदा जोड़कर मार्केट में बेचने जाते हैं तो सरकार बोलती है कि भाई मुझे इतने रुपए का टैक्स चाहिए, तो वो अमाउंट भी उसमें जुड़ जाता है, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट छोटा होता है, मार्केट प्राइस बड़ा होता है। फैक्टर कॉस्ट में जब सरकार का टैक्स जोड़ दिया जाता है तो वो बाजार कीमत बन जाती है। इससे अभिप्राय उस कीमत से है जिस पर बाजार में उत्पाद बिकता है। बाजार में उत्पाद किस रेट पर बिकता है, फैक्टर कॉस्ट में क्या जोड़ दो, टैक्स को जोड़ दो। इसे साधन लागत में अप्रत्यक्ष कर को जोड़कर ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो साधन लागत, यह सामान मैंने कितने का बनाया था, 15 रुपए में मेरा प्रॉफिट वगैरह सब कुछ जुड़ा था, इसे कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। और सरकार ने कितने रुपए का इसमें टैक्स लगाया, तो ये हो गया मेरा इनडायरेक्ट टैक्स। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, मार्केट प्राइस बन जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकलता है भाई, मार्केट प्राइस कैसे निकलता है, जितने का आपने सामान बनाया फैक्टर कॉस्ट, उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसे कहते हैं हम लोग शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड़ दिया जाता है। यानी कि हम बोले बाजार कीमत का फॉर्मूला बनता है, बाजार कीमत बराबर साधन लागत जमा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अगर आप चाहो तो हिंदी में भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हो।
अब आ जाते हैं हम लोग अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं। अप्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी वस्तु और सेवा को मार्केट में बेचने जाते हैं तो सरकार उस पर कई तरीके की टैक्स लगा देती है, जैसे हम लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। ये सीमा शुल्क के रूप में हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा ये बिक्री कर के रूप में हो सकता है, इसके अलावा ये सेवा कर के रूप में हो सकता है। हालांकि अब इन टैक्सेस को जोड़कर एक कर बना दिया गया है जिसका नाम क्या है, जीएसटी। तो अप्रत्यक्ष कर सरकार के द्वारा वस्तु और सेवाओं पर लगाया जाता है जब हम वस्तु और सेवाओं को बाजार में बेचने के लिए जाते हैं। वे कर जो वस्तु तथा सेवाओं पर बाजार में बेचने से पहले लगाए जाते हैं, जैसे कि बिक्री कर, जैसे कि उत्पादन शुल्क, जैसे कि सीमा शुल्क, इसके अलावा मूल्य वृद्धि कर भी होता है, या फिर अप्रत्यक्ष कर उत्पादन के मूल्य को बढ़ा देता है। ठीक है, हम इसमें यह भी याद रखेंगे, जो अप्रत्यक्ष कर होता है वो हमारे वस्तु के मूल्य को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। देखो ये मार्कर तो मैं 15 रुपए में बेचने जा रहा था, 15 रुपए में बिक जाता तो मेरे को फायदा भी हो रहा था मेरा, लेकिन जैसे मैं इसे बेचने गया सरकार ने बोला 5 रुपए का क्या लगेगा टैक्स, तो 15 रुपए में बेचने जा रहा था, मैंने बोला ठीक है भाई 5 रुपए मैं इसमें टैक्स में जोड़ लेता हूं, तो अब इसका प्राइस क्या बन गया, 20 रुपए। तो मार्केट में अगर सरकार इस पर टैक्स नहीं लगाती तो ये 15 रुपए का बिकता। तो याद रखना है अप्रत्यक्ष कर क्या कर देता है, वस्तु के मूल्य को बढ़ा देता है। नेक्स्ट नंबर पर है आर्थिक सहायता। अब ये आर्थिक सहायता का मतलब क्या होता है, इससे अभिप्राय सरकार द्वारा फर्मों को दी गई कुछ विशेष वस्तु तथा सेवाओं पर वित्तीय छूट से होता है। कई बार सरकार कुछ विशेष कार्य करने वाले लोगों के लिए, जैसे कि मान के चलो कोई खाने पीने की चीज बना रहा है, या फिर कोई ऐसी चीज का प्रोडक्शन कर रहा है जैसे मेडिसिन का प्रोडक्शन कर रहा है, या फिर पढ़ने लिखने की चीज स्टेशनरी वगैरह का प्रोडक्शन कर रहा है, तो सरकार क्या करती है, ऐसे व्यक्तियों को कुछ छूट दे देती है, ऐसे व्यक्तियों को टैक्स के अंदर कुछ रियायतें दे रही है। जैसे सभी लोगों से टैक्स ले रही है सरकार 10%, तो उन्हें बोलती है चलो ठीक है तुम 8% का टैक्स दे दो, यानी 2% का टैक्स छोड़ दिया। इसे सरकार क्या कहती है, सब्सिडी। सरकार सब्सिडी सबको नहीं देती, कुछ स्पेशल लोगों को देती है, जैसे कि किसी विशेष स्थान पर आपने फैक्ट्री लगाया, जैसे रूरल एरिया में, गांव वगैरह में आपने फैक्ट्री लगाया, तो सरकार वहां बिजली पानी पर आपको छूट दे सकती है, पर फैक्ट्री लगाने पर सस्ती बिजली पानी प्रदान करना, ये एक एग्जांपल मैंने लिख दिया है कि सब्सिडी का एग्जांपल क्या है। ठीक है, आर्थिक सहायता, तो सब्सिडी याद रखना, सब्सिडीज बोलते हैं आर्थिक सहायता को, क्या बोलते हैं, सब्सिडीज। यह अक्सर सरकार आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रोत्साहन, अनिवार्य वस्तुएं, पिछड़े क्षेत्रों में फर्म लगाने पर प्रदान करती है। जनरली सरकार सब्सिडी कहां पे देती है, आयात प्रतिस्थापन। अगर कोई सामान हम बाहर से मंगवाते हैं उसे अपने देश में बनाने लग जाते हैं तो सरकार हमें प्रोत्साहन के लिए बिजली पानी या फिर जमीन प्रदान कर देती है। निर्यात प्रोत्साहन, अपने देश का सामान जब हम विदेशों में जाकर बेचते हैं तो सरकार वहां पर कुछ टैक्स कम कर देती है ताकि हमारा सामान वहां महंगा सस्ता हो जाए और लोग उसे ज्यादा खरीदे। अनिवार्य वस्तुएं जैसे दवाइयां, खाने पीने के राशन, पिछड़े क्षेत्रों में फर्म लगाने पर, यानी पिछड़े क्षेत्र गांव वगैरह में अगर आप फैक्ट्री वगैरह लगा रहे हो तो सरकार वहां पर आपको आर्थिक सहायता प्रदान कर सकती है। एक होता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अब देखो ध्यान से समझना, हुआ क्या कि इस मार्कर पे सरकार ने मेरे से 5 रुपए का टैक्स लिया, तो सरकार को मैंने जाकर बोला सर आप तो सभी से 5% का टैक्स ले रहे हो, मैं तो देखो पढ़ने लिखने की चीज बना रहा हूं, ठीक है ये बच्चों के बहुत ज्यादा काम आती है, आप क्या मेरे से भी 5% टैक्स लोगे। तो सरकार ने उस टाइम तो मेरे से 5% टैक्स ले लिया, लेकिन सरकार ने बाद में क्या करा, मेरे को 2% उसमें से वापस कर दिया। यानी कि सरकार ने मेरे से 5 रुपए लिए, एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, सरकार ने मेरे से 5 रुपए लिए और बाद में सरकार ने मुझे 2 रुपए वापस कर दिया, तो इसका मतलब सरकार ने नेट टैक्स मेरे से कितने रुपए का लिया, 3 रुपए का लिया। तो बस यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का फॉर्मूला क्या होता है, इसे हम मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट माइनस करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, यहां से फॉर्मूला आया कि अगर आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना है तो आप क्या करोगे, मार्केट प्राइस में से इधर जाकर फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर याद रख लेना। तो इस वाले टॉपिक के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, साधन लागत क्या होता है, बाजार कीमत क्या होता है। साधन लागत छोटा होता है, बाजार कीमत बड़ा होता है। जैसे मार्कर 15 रुपए में बनके तैयार हो गया फायदे के साथ, फायदा भी जुड़ा हुआ है इसके अंदर, लेकिन बाजार में बेचने गया तो कितने में बिक रहा है, 20 रुपए में, क्योंकि सरकार ने 5 का टैक्स लगा दिया। तो फैक्टर कॉस्ट 15 रुपए और मार्केट प्राइस इसका कितने रुपए, 20 रुपए हो गया। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, आर्थिक सहायता क्या होती है, और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, तो ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया। इसका ज्यादा इस्तेमाल न्यूमेरिकल्स के अंदर होगा, तो न्यूमेरिकल जब हम पढ़ेंगे तो इस टॉपिक को वहां पर और भी अच्छी तरीके से हमारे को ये क्लियर हो जाएगा।